नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं, एक नया प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम फीट को जो है मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका जो प्रोग्राम है ये आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट फीट इंटू मीटर। जो भी फीट होगा उसको मीटर में कन्वर्ट किया कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला मैथमेटिकली डिफाइन है, लेकिन हम सी लैंग्वेज में उसका प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। ये हमने वहाँ से कोड कॉपी कर लिया है दोस्तों। आप अगर बिगनर हैं तो इस कोड को लिख लीजिए। हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, दोनों फ्लोट टाइप के लिए हैं, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन होगी फॉर्मूले के अनुसार वो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगी, इसलिए फ्लोट लिया गया है। हमने प्रिंट एफ से एंटर करा लिया है, जो भी फीट आएगा वो एफ के अंदर हम स्टोर करने वाले हैं। परसेंटेज एफ फ्लोट के लिए यूज़ किया गया है। एम नाम के वेरिएबल में जो भी कैलकुलेशन होगी फीट को डिवाइड कर दिया जाएगा 3.28.08399 से। आप राउंड ऑफ भी इसको कर सकते हैं, तो 3.28 आप इसको लिख सकते हैं। देन आपको प्रिंट करा देना है मीटर, और जब आप प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू एम के अंदर आई होगी। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू एम वेरिएबल लिखा है क्योंकि मुझे मीटर यहीं मिलेगा। रिटर्न करा दिया है ज़ीरो। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ, ये हमने सेव कर लिया है। रन एंड बिल्ड करने के बाद अब आप जितना भी फीट यहाँ पर लिखेंगे उतने में जो है मीटर में, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 6 फीट, तो मीटर में जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी 1.82। आप देख रहे हैं ये एग्जैक्ट मीटर में जो है आपकी वैल्यू आने वाली है। आप कोई दूसरी वैल्यू लेकर देख लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पर लिख दीजिए 30 फीट, तो 30 फीट को जो मीटर में जब लिखा जाएगा तो वैल्यू आएगी 9.144। इस तरीके से दोस्तों ये कन्वर्जन चलता है। अब आपके लिए एक नई टास्क है, आपको प्रोग्राम बनाना है और आपको इसका उल्टा कन्वर्ट करना है। आपको वहाँ पे आप मीटर लीजिएगा और इसको फीट में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके फॉर्मूले को देखिए और ऐसे ही 9-10 लाइन का प्रोग्राम बनाइएगा। उसमें आप फ्लोट वेरिएबल ले सकते हैं। ऐसे ही आप धीरे धीरे लॉजिक सीखेंगे और ये फॉर्मूलाज को कैसे सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, ये आइडियोलॉजी सीखना हम यहीं से शुरू करेंगे। आप इसका उल्टा फॉर्मूला बनाइए और आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे। मैंने आपको फीट से मीटर में कन्वर्ट करना सिखाया है, आप मीटर से फीट में कन्वर्ट करना सीखिए और ख़ुद से आप ये देखिए कि अब आपको कितने प्रोग्राम्स बनाने आने लगे हैं। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।